हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड. दिस इज़ तृप्ति एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ब्यूटीफुल चैनल एनपीसी, वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स. एंड फाइनली बच्चा, हम क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, आज क्लास ट्वेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. टर्म वन एग्जाम जो आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, बस उन्हीं पर बेस्ड कुछ डिस्कशन होगा आज की हमारी क्लास में. टर्म वन में किस तरह से पेपर स्लॉट किए जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर्शन एंड रीज़न, ठीक है. ये न्यू पैटर्न जो अभी आपके एग्जाम में आने वाला है, इनसे सभी बच्चे फैमिलियर नहीं हैं, ठीक है. बोर्ड्स के, सीबीएसई के बच्चे फैमिलियर नहीं हैं, जी एंड नीट के बच्चे तो फैमिलियर है. क्यों? क्योंकि उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं. बट हमारे जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं लगेगी, ठीक है. बस उसी को मैं इजी वे में किस तरह से आपको डील करना है, उसके लिए आज ये लेक्चर लेकर आई हूँ. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. टर्म वन, ठीक है, टर्म वन का आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 35 मार्क्स का. टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है. टर्म वन सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, इस तरह से थ्री सेक्शंस में डिवाइड हैं, ठीक है. एंड सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है. जो भी आप फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे वही इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है. जैसे आपने 21 कर दिए या 22 कर दिए, तो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके काउंट किए जाएंगे, लास्ट के स्किप किए जाएंगे, लास्ट के काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है. एंड सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस होंगे एंड 20 क्वेश्चंस आपको इनमें अटेम्प्ट करने हैं. एंड सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे एंड आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. टर्म वन की एग्जाम में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं. एमसीक्यूज, जिनसे आप फैमिलियर हैं, ठीक है, जो आपको पता है किस तरह से आपको डील करना है. असर्शन एंड रीजन, ये न्यू पैटर्न है, इसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड केस बेस्ड स्टडी, इसके भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे सेक्शन सी में इसी के क्वेश्चन मोस्टली आएंगे, ठीक है. मीन्स आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे, ओके. वो क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम मेनली असर्शन एंड रीजन पर फोकस होगा, ठीक है. चलिए, एमसीक्यूज तो इस तरह से होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा आपको, ठीक है. एज शोन इन फिगर, जैसे इस तरह से एग्जांपल ले रहे हैं, शोन इन फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विथ क्लोज सर्फेस, ठीक है. ये गाउस थियरम, गाउस लो आपने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लोज सर्फेस में टोटल चार्ज जीरो होता है, तो इसका आंसर जीरो, ठीक है. इस तरह से स्टेटमेंट होगा और आपको ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है आंसर, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, एमसीक्यू चल रहा है अभी, ठीक है. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस कैप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज 5. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ठीक है. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो इसके लिए सिंपली आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, अच्छा, एमसीक्यूज में आपके जो सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी आ सकते हैं, ठीक है. एंड फर्स्ट देखिए, सेकंड एमसीक्यू में फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम फोर्स, ठीक है. कूलम फोर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है. यार क्यू वन एंड क्यू टू आर द चार्जेस एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. नाउ ये जो आपका फोर्स है, ये किसके इक्वल है, 5 के, तो हमने 5 इक्वल कर दिया, ठीक है, इक्वेट कर दिया. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर डबल, क्यू वन एंड क्यू टू के जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गया, ठीक है. क्यू वन के प्लेस पे 2Q1 हो गया, क्यू टू के प्लेस पे 2Q2 हो गया एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, आर के प्लेस पे आर बाई 2 हो गया. तो आपको नई फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है. तो हम इस न्यू फोर्स को एफ डैश कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. के क्यू वन के प्लेस पे 2Q1 एंड 2Q2 एंड आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है. इसे कैलकुलेट करेंगे आप, सो 2 × 2 4 Q1 Q2 हियर आर स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है. सो 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4 × 4 = 16 एंड देन के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है. ये देख सकते हैं आप, 5 के इक्वल है, सो 16 इसके प्लेस पे 5 पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. इस तरह से आपको डील करना है एमसीक्यूज को. एमसीक्यूज में ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, असर्शन रीजन. ओके, असर्शन एंड रीजन, ठीक है. सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इस बार का जो हमारा टर्म वन का पैटर्न है, टर्म वन एंड टर्म टू जो भी है,
उसमें आपको जो कॉन्सेप्ट होगा, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसको डिटेल्ड स्टडी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। असर्शन एंड रीजन में आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है, ठीक है। बट ये सही आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर होंगे, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रट लिया या डेरिवेशन कर लिया तो आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, टर्म वर्क या एग्जाम्स में। सो असर्शन एंड रीजन में आपको ये 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट है बोथ ए मीन्स असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इनका सही मीनिंग आपको क्वेश्चन के बाद पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको कॉमन पहले तो ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। अच्छा, ए हमारा हो गया। बी में असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, बट आर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। सी ऑप्शन में एक असर्शन ट्रू है एंड रीजन फॉल्स है, एंड डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स है एंड रीजन फॉल्स है, ठीक है, मीन्स दोनों फॉल्स है। तो इस तरह से स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं, अब आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असर्शन दिया हुआ है, मतलब एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेस विथ डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। आपको फर्स्टली स्टेटमेंट को, ठीक है, असर्शन का जो स्टेटमेंट है पहले वो दिया होगा, फिर रीजन का दिया होगा। तो पहले उससे अच्छे से रीड करना है, ठीक है, केयरफुली रीड करना है। आपको दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट मीन्स कूलम फोर्स। अगर आपने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है, तो पहले तो हम कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, ठीक है, तभी इस स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स कर पाएंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स इंक्रीजेज, इफ फोर्स इंक्रीजेज द डिस्टेंस, ठीक है, डिक्रीज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रीजन आपको यही मिलता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपका जो असर्शन है ये राइट है, ओके। अभी आपको कुछ ऑप्शंस में नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट रीड करना है, राइट है या रॉन्ग है ये आपको पहले डिसाइड करना है, ठीक है। तो राइट है, रीजन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मीन्स ये जो पूरा स्टेटमेंट आपको गिवन है ये यही है, ठीक है, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है क्योंकि ये आपको दिख ही रहा है फॉर्मूले में। अच्छा, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स असर्शन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर में क्या लिखना है, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है एंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फर्स्ट का जो रीजन है, कारण है होने का, वो सेकंड में गिवन है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर इट इज होलो और सॉलिड, ठीक है। मीन्स एक मेटालिक स्फीयर है, उस पर जो चार्जेस हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, उसके साइज पर, मीन्स वो होलो है या सॉलिड है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ओके तो सही भी है। अब डिपेंड कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखना है, ठीक है। रीजन में दिया हुआ है द चार्ज रिसाइड्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये वाली जो लाइन है ये आपने पढ़ रखी है कि चार्जेस जो है किसी भी सरफेस के या किसी भी जो आप होली सॉलिड या होलो सिलेंडर ले रहे हैं या मेटेलिक स्फीयर ले रहे हैं तो उसके सरफेस पे रिसाइड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके इनसाइड तो आपके गॉस थ्योरम से जीरो होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है और इस स्टेटमेंट का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड स्टेटमेंट देता है। सो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है।
both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Okay, question number third देखते हैं. Assertion में आपको given है electric field lines not form closed loop. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की थी तब हमने ये भी स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है. ठीक है, क्लोज लूप बनाने के लिए क्या होता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. ठीक है, और वापस वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आती है. ठीक है, तो क्लोज लूप तब बनेगा जब नेगेटिव से अगेन पॉजिटिव की तरफ आएगी. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया. रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, ये भी राइट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के नॉर्मल होगी. बट इसका रीजन ये है, क्या मैंने अभी क्या बोला कि क्लोज लूप नहीं बनाती, इसका रीजन ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती, इसका रीजन ये नहीं है. स्टेटमेंट तो ट्रू है. ठीक है, सेकेंड जो रीजन का स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, करेक्ट उसका रीजन नहीं है, ए का रीजन आर नहीं है करेक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा यहाँ पर. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, नंबर फोर असर्शन, द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है और आपको गिवन है कि नेट फोर्स जीरो होता है, ये सही है या गलत है? ठीक है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स जीरो होगा. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टडी किया हुआ है. अब रीजन में देखिए, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये भी राइट है. बट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो इसीलिए होता है कि डायरेक्शन ये होती है, तो ये करेक्ट बात नहीं है, करेक्ट रीजन नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टोटल नेट फोर्स है वो जीरो होने का ये रीजन करेक्ट नहीं है. ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी. ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है. ठीक है, बट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. सो असर्शन एंड रीजन के कुछ क्वेश्चंस हमने डील किए. कैसे करना है, सबसे पहले आपको केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, फर्स्टली ये डिसाइड करना है. ठीक है, फिर स्टेटमेंट ए का कुछ आपको एक्सप्लेनेशन, अगर डिटेल में आपने स्टडी किया होगा तो कुछ एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में होगा कि ये इसका रीजन हो सकता है. ठीक है, तो रीजन अगर होगा तो आपको ऑप्शन ए राइट करना है, अगर नहीं होगा तो बी राइट करना है. ठीक है, और सी ऑप्शन में अगर फॉल्स होगा, बी ऑप्शन या रीजन ऑप्शन फॉल्स होगा तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना है, एंड दोनों अगर फॉल्स हैं तो आपको डी लगाना है. ठीक है, तो इस तरह से आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को डील करना है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में केस बेस्ड स्टडी के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे. तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड देखते रहिए हमारा चैनल NPC. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.